फ्रेंड्स, वेलकम टू माई वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम महाशिवरात्रि की व्रत की थाली बना रहे हैं, तो इसके लिए हम जो चीज़ें बना रहे हैं तो एक वन बाय वन करके हम बनाएंगे। तो मैंने ये जो लिया है इसे बगर मोरियो और ये व्रत के चावल भी कहते हैं, तो मैंने ये 250 ग्राम लिया है, तो इसे मैं दो चार पानी से धो देती हूँ। अभी हमने पैन रख दिया है, तो इसमें डालते हैं एक टेबल स्पून जितना ऑयल। अभी इसमें डालते हैं आधा टी स्पून जितना जीरा, साथ में डालते हैं 4-5 करी लीव्स। आपके पास जो भी हो, सूखे गिरे जो भी होगा, तो कड़ी पत्ता का वैसे भी टेस्ट बढ़िया सा आता है, तो जो भी होगा वो आप डाल सकते हो। अभी ये अच्छी तरह से हो गया है, तो इसमें डालते हैं पानी। साथ में डालते हैं सेंधा नमक, मीन्स जो हम व्रत में खाते हैं ना वही डालेंगे। इसे हम चला लेते हैं। अभी इसे उबलने देते हैं थोड़ा। अभी ये उबलना स्टार्ट हो गया, तो इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून जितना रोस्टेड पीनट पाउडर। इसे भी हम चला लेते हैं। और जो हमने चावल लिए ना व्रत के वो डाल देते हैं। अब इसमें डालते हैं धनिया। और इसे हम स्लो आंच पे होने देते हैं, कवर कर देते हैं। जब तक ये होता है तब तक हम दूसरा बनाने की तैयारी करते हैं। अभी हम इसके साथ बनाते हैं मूंगफली की आटी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल 1 टेबलस्पून जितना, साथ में डाल रहे हैं आधा टीस्पून जितना जीरा। कड़ी लीव्स देखिए इस तरह से। अभी इसे हम होने देते हैं। हमारा जीरा और कड़ी पत्ता अच्छी तरह से हो गया है, तो इसमें डाल रही हूँ मैं आधा टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर और साथ में डाल रही हूँ पानी। अभी इसे भी हम चेक कर लेते हैं, इसे भी हम चला लेते हैं। ये बिल्कुल 2 मिनट में होने जैसी रेसिपी, इसलिए इसे स्लो इस पे हमें करना है। अभी एक बार हमने चला लिया है, तो इसे हम वापस कवर कर देते हैं। अभी इसमें डालेंगे धना पाउडर 1 टीस्पून जितना, आमचूर पाउडर, चाहे तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हो, आपको जैसे भी ठीक लगता है तो आप डाल सकते हैं। साथ में डाल रहे हैं व्रत वाला नमक। इसमें खट्टा मीठा बनाना होता है, तो इसमें डाल रहे हैं गुड़। अभी इसमें डाल रहे हैं आधा कटोरी जितना रोस्टेड पीनट पाउडर। ये पीनट पाउडर से ही बनती है, आपको गाढ़ी पतली जैसे भी चाहिए ना वो आपके हिसाब से बना सकते हो। अभी ये बहुत सारी पतली है, तो इसमें और मैं थोड़ा डालूंगी, ये थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। पर सबके घर में खाने का अंदाज अलग होता है, तो आपको जैसे ही पसंद है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया और इसे हम अच्छी तरह से उबलने दे देंगे। अभी हम बगर चेक कर लेते हैं। देखिए इसका पानी जो हमने 2 ग्लास जितना डाला था ना वो एकदम परफेक्ट बन गया है और ये एकदम खिली खिली सी हो गई है। तो इसे हम अभी गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम साइड पे रखते हैं।
अभी हमने लिया है स्वीट पोटैटो, इसे मैंने 6-7 पानी से धो दिया था क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत सारी होती है। तो इसके मैंने ये मैंने 4 स्वीट पोटैटो लिए हैं, तो इसके मैंने इस तरह से पीस बना दिए, तो कवर के साथ बनाया है। तो अभी हम इसका मिठाई बनाते हैं, स्वीटी बनाएंगे इसका, बहुत बढ़िया से टेस्ट लगती है और ये 4-5 दिन तो इजीली रहता है और छोटे से लेके बड़ों को सबको पसंद आता है। तो चलते हैं गैस की तरफ। अभी पैन हमने रख दिया है, तो इसमें डालते हैं घी। ये घी में बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसे दो ही चीज़ की ज़रूरत, घी और शक्कर। और घी हमने डाल दिया है, तो इसमें हम ये स्वीट पोटैटो डाल देते हैं। पर इसे अच्छा धोना ज़रूरी है, नहीं तो ये मिट्टी वाला लगेगा। इतनी सारी मिट्टी होती है इसमें, बहुत सारी मिट्टी होती है। अभी इसे इस तरह से हमने कर दिया है, तो इसे हम चला लेते हैं। इसे भी हम कवर कर देते हैं। देखिए जो हमने मूंगफली की आमटी बना रहे हैं वो भी अभी उबलना स्टार्ट हो गया है। आपको जैसे भी खट्टी मिट्टी पसंद है उसी हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो, या फिर अगर आमचूर पाउडर या नींबू का रस नहीं डालना है तो आप इसमें आमले भी डाल सकते हो। रात के लिए आमले भी चलती है, तो आप आमले डाल सकते हो। अभी आमटी हमारी उबल गई है, तो हम अभी उबलना स्टार्ट हो गया है, तो जो कम फ्लेम है ना, इस तरह से मैंने फ्लेम रखा है, तो इसे हम 2-4 मिनट इस तरह से ही पकाएंगे और इसे बीच बीच में चलाते जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये मैंने लास्ट वाला जो छोटा वाला है 3 नंबर का उसमें रखा है, तो अभी ये थोड़ी सी पतली है, तो हमें इसे गाढ़ी करनी है। तो मैं इसे इस तरह से छोटे गैस पर छोड़ देती हूँ और अभी हम देखते हैं जो हमारे शकरकंद क्या किस तरह से हुए हैं। अभी इस तरह से एक बार हम चला लेते हैं। और इसमें डालते हैं शक्कर, 4-5 टेबल स्पून जितना मैंने शक्कर डाली है, और इसे वापस हम कवर कर देते हैं। अभी ये 3 मैंने आलू लिए हैं, एक छोटा वाला है, एक मीडियम साइज के हैं, तो इसे मैंने बॉईल कर दिया है, तो इसे हम पेस्ट बना लेते हैं। आपको जैसे भी चाहिए आप बना सकते हो, मैं मीडियम साइज के बना रही हूँ। अगर आपके पहले से तैयारी होगी ना, तो आप 25 मिनट में पूरा थाली बना सकते हो। अब इस तरह से हमने काट लिए हैं, तो अभी चलते हैं गैस की तरफ। देखिए आमटी भी अच्छी तरह से उबल गई है, अच्छी तरह से गाढ़ी भी हो गई, और ठंडी हो जाने के बाद वापस से थोड़ी गाढ़ी होगी। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ करते हैं और अभी हम बनाते हैं आलू की सब्जी। अभी इसमें डालते हैं 1 टीस्पून जितना ऑयल, ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। अब इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून जितना जीरा, जीरा हमारा अच्छी तरह से हो गया है, तो इसमें डालते हैं करी पत्ता, हरी मिर्च, साथ में 1/2 टीस्पून जितनी रोस्टेड तेल, इसे हम चला लेते हैं। इसमें डालते हैं स्वादानुसार नमक, धना पाउडर, धनिया,
से हम अच्छे तरह से चला लेते हैं। इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून रोस्टेड पीनट पाउडर। लीजिए हमारी सब्जी भी रेडी हो गई। तो बहुत बढ़िया सी आ रही है, तो इसे भी हम अभी निकाल लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं कितना पका हुआ है। अभी तक जो सिरप बना है ना, वो अभी डाल ये नहीं हुआ है, ये इसमें पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तब तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। वापस इसे हम कवर कर देते हैं और इसे हम होने देते हैं। अभी इस तरह से हमने शिमला मिर्च इसके हम पीस बना दिए हैं, तो हम डालते हैं इसमें ऑयल। इसमें डालते हैं 2 पिंच जितना जीरा। जीरा हमारा अच्छी तरह से हो गया है, तो इसमें डालते हैं थोड़े से तिल। और इसमें डालते हैं शिमला मिर्च के कटे हुए पीस। गैस का फ्लेम लो करेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे, नमक और इसे हम चला लेते हैं। जैसे हम अचार या चटनी खाते हैं ना, उसी तरह से ये बनाना होता है, टेस्टी लगता है। इसकी जगह आप जो तीखी वाली मिर्च है ना, वो भी आप ले सकते हो, वो भी बढ़िया से आएगी, टेस्टी लगती है। अभी इस तरह से हमें इसे 2 मिनट पकाना है। देखिए ये अच्छी तरह से हो गया है, कितना बढ़िया सा लग रहा है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे हम उतार लेते हैं। अभी चलते हैं वापस। स्वीट पोटैटो के पास, स्वीट पोटैटो होने में ही थोड़ी देर लगती है। अभी बहुत सारा जो शुगर पानी था सिरप, वो अच्छी तरह से इसमें आ गया है, तो और अभी भी थोड़ा बाकी है। देखिए इतना बाकी है, तो इसे हम और पकाएंगे। पूरा इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, तो फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं। अभी इसे वापस होने देते हैं, इसे हम कवर कर देते हैं। अभी वापस चेक कर लेते हैं। देखिए पूरा जो शुगर का पानी था वो अच्छी तरह से इसमें घुल मिल गया है, और जो ये नीचे दिख रहा है ना, वो घी है, जो हमने पहले घी डाला था ना, वही है। तो इस तरह से हमारी इस ये भी तैयार हो गया है। तो इसे हम गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे हम नीचे उतार लेते हैं। देखिए 30 मिनट में हमारी व्रत की थाली रेडी हो गई है। ये हमने मूंगफली की आमटी बनाई है, ये भात बनाया है, ये आलू की सब्जी, ये स्वीट पोटैटो और ये अचार जैसा हमने तीखा तीखा बनाया है। अभी इसे हम सर्व करते हैं। साथ में कड़ी
आलू की सब्जी। मिर्च हमने लिए है और साथ में लिया है स्वीट पोटैटो। देखिए हमारी थाली रेडी हो गई है, बढ़िया सी थाली हमारी व्रत की महाशिवरात्रि की थाली रेडी हो गई है। तो इस तरह से आप खाओगे तो बिल्कुल भूख भी नहीं लगेगी और पेट भी आपका भरेगा। तो इस तरह से बनाइए, अभी बिल्कुल आधा घंटे में ये अच्छी तरह से बन जाती है। तो आप इस तरह से बना के एंजॉय कीजिए, महाशिवरात्रि ज़रूर एंजॉय कीजिए। इस तरह से थाली बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद है तो फिर उसको जरूर शेयर कीजिए। और इस तरह से आप किस तरह से बना रहे हो, किस तरह से एंजॉय कर रहे हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इस तरह से ज़रूर ज़बरदस्त थाली बनाइए, एकदम आधा घंटे में बनने वाली है और घर वाले भी सब खुश हो जाएंगे इस तरह से थाली खा के। तो ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।